हाँ जी जो द्वापर युग में जैसे कि सिद्धार्थ गौतम के शरीर में महात्मा बुद्ध का आत्मा प्रवेश करके पाठ बताता है द्वापर युग में, द्वापर युग में आत्मा सिद्धार्थ गौतम के शरीर में हाँ महात्मा बुद्ध का आत्मा आकर के प्रवेश करता है हाँ जी और बुद्ध के प्रचार प्रसार करता है हाँ और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करता है हाँ जी। उसके बाद में वो सिद्धार्थ गौतम के शरीर छूटने के बाद वहाँ तो दो आत्मा होता है, एक आत्मा तो गर्भ में जाता है और दूसरा आत्मा कहाँ पर जाता है? दूसरी आत्मा भी गर्भ में जाती है, संघ के रंग में आके वो भी तामसी बनती है। जो महात्मा बुद्ध का आत्मा होता है, जो महात्मा बुद्ध की आत्मा है वो ऊपर से आती है सतो प्रधान परम धाम से, परंतु जिसके संघ के रंग में आती है वो परमपिता परमात्मा है क्या? एवर प्योर है क्या या एवर पतित है उस समय का? अरे द्वापर के आदि में एकदम आदि में इब्राहिम ऊपर से आता है, उस समय की एवर पतित आत्मा कौन है? उस समय का एवर पावंत इब्राहिम तो ऊपर से नीचे आता है, किसमें आता है? एवर पतित में आवेगा या पावन में आवेगा? पतित में आता है, तो उसके संग के रंग से उसको नीचे गिरना है या ऊपर उठना है? वो नीचे गिर जाता है। परम पिता परमात्मा तो एवर प्योर है, इसलिए वो पतित तन में आने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसी तरह सिद्धार्थ उस समय की सबसे पतित आत्मा सिद्धार्थ, दुनिया की सबसे पतित आत्मा उस समय सिद्धार्थ, उसमें उस समय की सबसे पावन आत्मा महात्मा बुद्ध प्रवेश करती है, लेकिन एवर प्योर में प्रवेश करती है क्या? उन्हीं को बोलने दो ना। उसके बाद में वो आत्मा फिर महात्मा बुद्ध का आत्मा फिर गर्भ में जाता है, क्योंकि एवर पतित के साथ रह करके एवर पतित बन गई, इसलिए उसे गर्भ से जन्म लेना पड़े। नहीं समझ आया? हाँ। उसके बाद में वो कहाँ पर पाठ होगा उसका? बौद्ध धर्म में? नहीं, महात्मा बुद्ध का। सिद्धार्थ का? महात्मा बुद्ध का। बौद्ध धर्म में रहेगी? उसने ही धर्म स्थापन किया है, तो जो धर्म स्थापन करता है वो उसकी पालना भी करता है। हाँ, अब बताओ ये क्या भाव बता रहे थे? सिद्धार्थ में जो महात्मा बुद्ध की आत्मा है ना, जिस समय जिस शरीर में प्रवेश करता है तो वो दोनों आत्मा साथ साथ ही रहता है क्या? ये और साथ साथ नहीं रहेगा और क्या, कहीं अलग अलग रहेगा? बस मतलब प्रवेश करने के बाद जो उसकी अपनी आत्मा है वो क्या ऐसे गुम अवस्था में रहेगी या कभी एक्टिविटी? अरे उसी में रहेगी, दूसरे में क्यों रहेगी? रहेगी तो उसी में, वो अपनी एक्टिविटी दिखाएगी नहीं दिखाएगी? कौन? सिद्धार्थ की आत्मा। सिद्धार्थ की आत्मा अपनी एक्टिविटी दिखाती है, लेकिन वो उसे जो कैप्चर कर लेती है। और सूर्यवंशी 4.5 लाख आत्माएं इसी शरीर से सतयुग में देवी देवता बनेंगे। हाँ, शरीर तो ये रहेगा, पहले तमो प्रधान शरीर बोला है, ये शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। ये पावरफुल आत्मा इस सड़े हुए शरीर को बर्फ के अंदर छोड़ देगी, आत्मा फिर ऊपर से नीचे उतरेगी और वो बर्फ उस टाइम पर हट जाएगी ऑटोमेटिकली, उसी शरीर में प्रवेश करके फिर पार्ट में जाएगी, वही साथ इसमें देवी देवता बनेगी। देवी देवता बनेंगे बाबा। जो क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट आएंगे तो हम सबको ले जाएंगे कहते हैं, जो पक्के क्रिश्चियन से हैं वो भगवान के बताने से नहीं मानेंगे,
ब्रह्मा भी उतरा है तो भी नहीं मानेंगे, वो कब मानेंगे? जब क्राइस्ट वाली आत्मा इस ज्ञान को समझ जाएगी तब मानेंगे। क्रिश्चियन मानेंगे ना उससे? क्रिश्चियंस हाँ, जो अपने धर्म के पक्के क्रिश्चियंस हैं, कभी कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं, वो अभी नहीं मानेंगे। उनका धर्म पिता जब तक नहीं मानेगा तब तक वो मानने वाले नहीं है। और कन्या बहन और माता जो बाबा के पास चंद्र होता है ना, बाबा के पास क्या होता है? हाँ, कहते हैं झांसी की रानी है, झांसी की रानी झांसी की रानी का अर्थ क्या है बाबा? जो कन्या माता है बाबा के पास सरेंडर होती है हाँ। उनको सभी झांसी की रानी बोल रहे हैं। क्यों? इसका क्या अर्थ? क्यों? सभी कैसे झांसी की रानी हो जाएंगी? झांसी की रानी ने जितना अंग्रेजों को झांसा दिया, क्या उतना सब झांसा दे पाएंगे? हाँ, ये कह सकते हैं कि झांसी की रानी अगर विकराल रूप धारण करके असुरों के सामने तांडव नृत्य करती है, महाकाली का रूप धारण करती है, तो उसकी भुजाएं हो सकती हैं छोटी बड़ी, उंगलियां हो सकती हैं छोटी बड़ी, उंगलियां भी सहयोगी बनती हैं, भुजाएं भी सहयोगी बनती हैं, कोई राइटियस में सहयोगी बनती हैं, कोई लेफ्टिस्ट में सहयोगी बनती हैं, कोई ऊपर की भुजाएं होती हैं, कोई नीचे की भुजाएं होती हैं, तो ऐसे सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन झांसी की रानी तो एक ही होगी। और जो शरीर सड़ना बोला तो क्या ये रोगों के द्वारा के लिए कहा कि किस चीज का? शरीर अभी दुनिया का वातावरण जो है वाइब्रेशन खराब हो रहा है या सुधर रहा है? मनुष्यों का वातावरण खराब हो रहा है या सुधर रहा है? और मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? और अंत तक बढ़ती ही जाएगी, घटेगी? विकार बढ़ते ही जावेंगे या घटेंगे? और ही जास्ती बढ़ते जावेंगे। तो दुनिया के 5 तत्व तो और ही तमो प्रधान बनेंगे कि सतो प्रधान बनेंगे? अभी ही अन्न जल इतना दूषित होता जा रहा है, तो ये दूषित अन्न जल दिन दूना रात चौगना जब तामसी स्टेज को बढ़ता जावेगा, सड़ता जावेगा, तो शरीर सड़ेंगे या सुधरेंगे? कितनी भी दवाइयां करो, कितने भी इंजेक्शन तैयार करो, कितने भी डॉक्टर बढ़ाओ, कितने भी हॉस्पिटल बढ़ाओ, सुधरने वाला नहीं है और ही बिगड़ता जाएगा। क्या सुधरेगा? अगर सुधारना चाहते हैं तो परमात्मा के सान्निध्य से आत्मा को सुधार सकते हैं। आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। जो पुरुषार्थ करेंगे उनकी शरीर तो सड़ेंगे ही, सड़े हुए शरीर से भी आत्मा पावरफुल अपनी सेवा ले सकेगी। इसलिए बोला है कि बूढ़ी बूढ़ी आत्माएं भी जब सेवा फील्ड में कूद पड़ेंगी तो उनको भी सेवा के पंख लग जावेंगे, उड़ने लग पड़ेंगी। कई बार हम लोग इसमें रहते हैं तो रोग होने पर लोग बोलते हैं कि आप लोग तो योगी हैं, आप लोग तो बाबा के ज्ञान में चलते हैं, आप लोग को तो रोग नहीं होना चाहिए। और हम रोगी हैं तो भी हमें खाने पीने की तरह तुम्हारी तरह परवाह तो नहीं है? तुम तो कितने परवाह में मरे जा रहे हैं? जब सेवा में कूदेंगे, अभी घर गृहस्थी में चटे हुए हैं।
मेरा 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 है क्या? क्यों बेहद की गृहस्थी नहीं है? तो बेहद बाप की गृहस्थी मिली है कि हद की मिली है? फिर अब ये गृहस्थी जो हद की है उसमें दरारें पड़ती जा रही हैं, अब दरारें बढ़ती जा रही हैं या घट रही हैं? जितने भी गृहस्थी बैठे हुए हैं वो ये बात बताएं अनुभव से कि गृहस्थी में दरारें बढ़ रही हैं, दिल टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं? ज्ञान में आने के बावजूद भी टूट रहे हैं। हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। जो जिस कोट की आत्मा होगी वो उसी के साथ रहकर के सुखी रह सकेगी। कीच जाके कीच में मिलेगी, दूध जाके दूध में मिलेगा। सन 47 की तरह जब खून की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी तो अपना सर ले लेके भाग खड़े होंगे, कौन हमारा बच्चा, कौन हमारी बच्ची, कौन अम्मा, कौन चाची, कौन घरवाली, सब भूल जाएंगे। शिव बाबा भूल जाएंगे, ये तुम्हारे वो तुम ही हो सकते हो, वो तुम ही हो सकते हो जो ऐसा संकल्प कर सकते हो, वो तुम हो सकते हो। नहीं 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 बाबा एक गले बांटना है, है? एक गले नहीं नहीं दो चार को गले में और बगल में लपेट के जाना। बाबा ने तो 20 बार बता दिया बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। बाप बाप नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, सब संबंध टूट रहे हैं और आगे और टूटते चले जाएंगे। परम धाम में जाके एक ही संबंध बचेगा। क्या आज भी बता दिया क्या? आत्मा आत्मा भाई भाई, वो परम धाम नहीं। कौन सा परम धाम? वो परम धाम जो तुम इस सृष्टि पर उतार लेंगे, वहां सब आत्मा आत्मा भाई भाई नजर आएंगे। बहन भी देखने में नहीं आएगी कोई, ऐसी ऊंची स्टेज बन जाएगी। बाकी इस दुनिया का तो वातावरण बिगड़ ही रहा है, वो कोई नहीं सुधार सकता। ब्राह्मणों की दुनिया का वातावरण बनता जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी नंबर वार है। और बाबा जब गीता पाठशाला चलाते हैं, गीता पाठशाला में ऐसा होता है कोई बाबा तो बोले हैं 2 महीना से ज्यादा नहीं आया तो मर गया है। वहाँ पर तो आत्मा आता भी है, कोई नहीं आता है। इस टाइम में बाबा यहाँ पर आते हैं खबर देने, हम लोग घर घर जाएंगे कि वहाँ पर जो आएगा उसको खबर देंगे। जो नजदीकी मोबाइल वाले हैं उनसे संपर्क कर लें। कोई 1 महीना से नहीं आता है, है? वो तो बता दिया, जो 2 महीने से आते ही नहीं है, क्लास ही नहीं करते, बाबा की चिट्ठी सुनते ही नहीं। बाबा रोज रोज चिट्ठी भेजते हैं मुरली, जिन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने का, बाबा को भी चिट्ठी नहीं लिखते। घर बैठे मुरली मिलती है, वो भी नहीं पढ़ना चाहते सुनना चाहते। तो वो मरे हुए मुर्दों को तुम संदेश दोगे क्या? और
संगठन करने के लिए जहाँ पर पाठ आत्मा नहीं होता है वहाँ पर संगठन होगा कि नहीं होगा? जहाँ गीता पाठशाला ही नहीं वहाँ संगठन करने से क्या फायदा? जब था तब था, अब इम्प्योरिटी के कारण यूनिटी खत्म हो गई। प्योरिटी बढ़ेगी तो गीता पाठशाला की यूनिटी बढ़ेगी, और प्योरिटी घटेगी तो गीता पाठशाला की यूनिटी घटती चली जाएगी। अब नया आत्मा के लिए सेवा के लिए भी यहाँ पर रखना चाहिए बोलते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पर नया आत्मा कोई भी नहीं आता है, तो जब सेवा के लिए बुलाते हैं वहाँ पर, वो सेवा ही नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से नया? वही तो वहाँ पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? चाहिए कि क्या सवाल? बाबा के जो घर हैं, हम बाबा के घर में जाके सब ब्राह्मण इकट्ठे होंगे, जो बाबा के घर ही नहीं रहे तो इकट्ठे होने से भी क्या फायदा? और बाबा ये आपकी परसेंटेज दुखधाम के सुखधाम के या के दुखधाम, ये सुखधाम शांतिधाम और दुखधाम के कैसे? सुखधाम में याद की दरकार ही नहीं, वहाँ तो पहचान ही नहीं बाबा की जो हम याद करें। ये याद की परसेंटेज कैसे समझेंगे बाबा, ये किस स्टेज की है? खुशी बढ़ेगी। याद की परसेंटेज जितनी बढ़ती जाएगी खुशी का पारा का पारी होता जाएगा। कोई हमको डाउन करना चाहे तो भी हम एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा ग्लानी का। हाँ उनको भक्ति नहीं हुई है परमात्मा का, क्या परमात्मा का एक अक्षर रूपये ओम अक्षर अक्षर ओम एक अक्षर है, ओम भगवान को मानते है, ओम भगवान को मानते हैं। क्या इसी मोहल्ले में रहते हो क्या? नहीं भट्टी नहीं की, विश्वास की भट्टी नहीं की अभी। यहाँ पहले 7 दिन का कोर्स लिया जाता है, फिर उसके बाद भट्टी की जाती है, तब क्लास में बैठना होता है। हाँ इसलिए जब तक भट्टी में पके नहीं गर्भ में क्या, तब तक बाप के बच्चे ही नहीं बने है? कब कहाँ की भट्टी? क्लास करते हैं, भट्टी नहीं की ना, तो पहले भट्टी कराओ फिर बाबा की क्लास में बैठाओ, पता लग जाता है, बोलने मात्र से ही पता लग जाता है भगवान का बच्चा है कि नहीं। ओम को भगवान इसलिए कहा जाता है कि उसमें 3 अक्षर हैं जुड़े हुए, आ ऊ म ओम, आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, मा माने महेश, ये 3 कर्तव्य हैं भगवान बाप के। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश महेश द्वारा, और जो नई दुनिया बचती है विनाश होने के बाद उसकी पालना विष्णु के द्वारा। ये 3 बाप के पहलौटी के बच्चे हैं, बच्चे को आत्मा कहा जाता है, लगते जिगर कहा जाता है, बच्चे में बाप की आत्मा धरी रहती है। तो ये 3 बच्चे परमात्मा बाप के 3 रूप हो गए, उनको कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, वो तीनों ही आत्माएं कल्याणकारी हैं। रिंचक मात्र भी अकल्याणकारी नहीं है अपने अपने कार्य में, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव की 3 मूर्तियां,
हर आत्मा ये तीन कार्य करती है। दिव्य गुणों की स्थापना अंदर अपने अंदर करती है, दुष्ट गुणों का विनाश करती है और जो अच्छे गुण हैं उनकी पालना करती है। ऐसी स्थापना पालना और विनाशकारी शक्ति को आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा भी आउमा ओम स्वरूप है, इसलिए भक्ति मार्ग में आत्मा सु परमात्मा कह दिए। और एकादशी का अर्थ है, एकादशी है, एकादशी का अर्थ है इसमें क्यों वर्ष रखते हैं? एकादशी का अर्थ होता है एक और दस, ग्यारह महीने का पहला या दूसरा जो पंद्रहवा होता है उसमें ग्यारहवें दिन को एकादशी कहते हैं। एक और दस मिलाकर के बनते हैं ग्यारह रुद्रगण। ये ग्यारह रुद्रगणों से भगवान विनाश का कार्य कराते हैं। स्पेशली ये वो आत्माएं हैं जो सब कुछ त्याग करके संसार का ध्वंस कराने के निमित्त बनती है। खुद भी लंगोटिया बनती हैं और अपने सारे ग्रुप रुद्रमाला को लंगोटिया बनाती हैं। इसलिए लोग डरते हैं कि शंकर जी की उपासना करेंगे तो वो हमको भी भभूतिया बना देगा। लंगोटिया का अर्थ क्या हुआ? लंगोटी पहनना कुछ नहीं है अपने पास। तो एकादशी का व्रत है, जो ग्यारह आत्माओं के द्वारा विशेष रूप से व्रत किया जाता है। और जो बाबा पढ़ी लिखी माता नहीं है उतना ज्ञान को भी नहीं, पढ़ी लिखी माता कौन सी पढ़ी लिखी, पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है? कौन सी पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है? अरे ज्ञान की पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है कि दुनिया भी पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है? तुम कौन सी पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ी है तुमने? तुम्हें कौन सी पढ़ाई लिखाई का रोज आ रहा है, रोना आ रहा है? ओ छोड़ दो, हम जो पूछ रहे उसका जवाब दो। तुम कौन सी पढ़ाई लिखाई के लिए रो रही हो? बाबा के लिए रो रही? अरे तुम कह रहे हम तो पढ़ी लिखी नहीं है बाबा, तो कौन सी पढ़ाई लिखाई का तुमको रोना आ रहा है? ज्ञान की पढ़ाई लिखाई का रोना? तुम्हें बाबा ने ज्ञान की पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ाई, झूठ क्यों बोलती? तुम जो अभी रोना रो रही हो कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं बाबा, याद के पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने दुनिया भी पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ी सो अच्छा हुआ। बाबा तो मना करते हैं दुनिया भी पढ़ाई लिखाई न खुद पढ़ो न बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाएंगे तो दुनिया बेविचार की पढ़ाई पढ़ा रही है, कुत्ता कुतिया बना देगी। छोटे बच्चों को भी आज तो मुरली बता दिया, छोटे बच्चों को भी पढ़ाने की दरकार नहीं है। छोटे बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, 100% पोता मेल बाबा के पास छोटे बच्चों के ही आ रहे हैं, छोटेपन में ही गंदे बन पड़ रहे हैं। भाइयों को तो पढ़ना होगा ना, नौकरी करवानी है? हाँ, डॉक्टर बनाएंगे, सर्जन बनाएंगे। शरीर निर्वाह माने जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण बन के बाप के बच्चे बने हैं, उनका शरीर निर्वाह नहीं हो रहा, मर गए। आगे चल के देखेंगे
कि सब धंधों में दूर लग जाएगी, सब धंधों में नुकसान होने वाला है। एक आबाद कौन सा धंधा होगा दुनिया में? ईश्वरीय ज्ञान का धंधा आबाद होगा, सारी दुनिया ज्ञान के धंधे में लगेगी। पेट को दो रोटी चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए, दुनिया भर की बैंकें भर भर के रखी हुई हैं, कुछ काम नहीं आने वाली है। जिन भाइयों को टाइम हो गया वो निकल जाएं, ये वार्तालाप तो चलता ही रहता है संशय बुद्धियों का। इधर से कहते हैं प्रश्न भी करो, उधर कहते भी कचरा है तो अंदर भरे रहो तो फिर निकालो। उनकी बात थोड़े ही कर रहे हैं, हम तो उनकी कर रहे हैं जिनको घर जाना जरूरी है, बस छूटी जा रही है। ताला बंद करके आता है जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना, यहाँ काहे के लिए बैठे हो? ये तो वार्तालाप चल रहा है इसलिए कि जिनके अंदर कचरा भरा हुआ है बाबा के सामने निकाल के डाल दें, बाबा उसका समाधान कर दें। नहीं तो कचरा भरा रहेगा। अरे बच्चों को पढ़ाना जरूर, लड़कों को तो कम से जरूर जरूर पढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमारा पेट पोषण कौन करेगा? हमारे दांत उखड़ जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, हम बुढ़े पड़ जाएंगे, हमें कौन पालना करेगा? बाबा कहते सब बिच्छू टिंडन है, कोई पालना करने वाला नहीं बचेगा। आज के बच्चे पालना नहीं करते अम्मा बाप की। वो कचरा है अगर भरा हुआ तो निकाल दो। बाबा है ब्रह्मा के चार मानस पुत्र कहे गए हैं, तो उनका नंबर ब्रह्मा विष्णु शंकर के बाद है या पहले है? जो मानस पुत्र हैं वो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं, पहले तो त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होती है, पहले तीन के पार्ट डिक्लेयर हुए या आठ के पार्ट डिक्लेयर होते हैं, या आठ में जो चार और ऐड होते हैं विनाशकारी वो डिक्लेयर होते हैं। जो पहले प्रत्यक्ष होते हैं वो ही श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर वो श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो पहला नंबर है देवदेव महादेव, उसका ग्रुप डिक्लेयर होता है बारह का, वो श्रेष्ठ है। फिर विष्णु का ग्रुप डिक्लेयर होता है, लास्ट में ब्रह्मा का ग्रुप डिक्लेयर होता है। तीनों की अलग अलग स्थिति है। ब्रह्मापुरी नीचे, उससे ऊपर विष्णुपुरी, उससे ऊपर शंकरपुरी, तब कहा जाता है देव ब्रह्मा, उससे ऊंचा देव विष्णु, उससे ऊंचा महादेव परम ब्रह्म है। वो कौन दिखाता है, भक्ति मार्ग वाले या दुनिया ज्ञान मार्ग वाले? वो कौन दिखाता है, है? भक्ति मार्ग वाले दिखाते हैं, ब्रह्मा कुमारियां नहीं दिखाती है। हाँ तो ब्रह्मा कुमारियों को पता है कि वो निराकार शिव जो है साकार के बगैर कोई काम नहीं करता, और जब तक काम करके नहीं दिखाएगा तो ऊंचा कौन मानेगा? ऊंचते ऊंचे निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? कहां की बात है? साकारी दुनिया की बात है बाबा। है इन चार मानस पुत्रों को माँ बाप की पाल है, इन चार मानस पुत्रों की माँ बाप की पालना कौन करे? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये किसके लिए बोला है? है शिव बाप के लिए। तो शिव बाप के लिए है तो वो ही माता भी बनता है, वो पिता भी बनता है।
है माता पिता होगा ना बाबा, हमारा तो पिता ब्रह्मा है, लक्ष्मी पिता लक्ष्मी नारायण को माता पिता बोलेंगे या वो तो शिव को माता पिता बोलेंगे बाबा? लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण को हम लोग माता पिता के नाम से कहेंगे या वो शिव को माता पिता? लक्ष्मी नारायण पुरुषार्थी जीवन में नाम क्या है? जब पद पा लिया तो लक्ष्मी नारायण, पुरुषार्थ पूरा हो गया, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में उनका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण ने पढ़ाई पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है कि बिना पढ़ाई पढ़े लक्ष्मी नारायण बन गए? अरे बोलते क्यों नहीं? पढ़ाई पढ़े हैं तो किससे पढ़ाई पढ़े? बिंदी से पढ़े, तो कौन है साकार? वो उसको कहते हैं शिव बाबा, शिव बाप तो बिंदी का नाम है। वो बिंदी कोई साकार में प्रवेश करती है, जिस साकार में प्रवेश करती है उसी का नाम शंकर है। इसलिए मुरली में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। उसी का नाम कृष्ण है, इसलिए मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। उसी का नाम प्रजापिता है, इसलिए बोला है मुरली में नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। हाँ बोलो। शिव रचयिता अलग दिखाते हैं, शंकर फिर शिव रचयिता। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? शिव की प्रतिमा अलग, शंकर की प्रतिमा अलग। रचयिता कब बनेगा? तुम्हारी रचयिता की बात है सो बताओ। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान रट रखा है, एडवांस ज्ञान में मनन चिंतन मंथन तो चलाओ। हाँ बोलो। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? प्रतिमा शिवलिंग को प्रतिमा नहीं कहेंगे, प्रतिमा हाथ पांव वाली होती है, नाक आंख कान वाली होती है। शिवलिंग तो निराकार की यादगार है, वो निराकार ज्योतिबिंदु जब साकार में प्रवेश करता है, वो साकार पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज पर पहुंचता है, तब उसकी प्रतिमा बनती है। उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव को अलग कर दिया तो नाम नहीं बनेगा, वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। बाप आता है बच्चे को आप समान बनाने के लिए, एक ही बच्चा है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि बाप उस बच्चे के द्वारा ऊंचते ऊंचे कार्य करा के जाता है। कार्य करता है तो ऊंचते ऊंचे, कार्य करके न दिखाए तो ऊंचते ऊंचे काहे का। बाबा सन कितना में माउंट आबू में ताला लगेगा? है सन कितना में माउंट आबू में ताला लगेगा? माउंट आबू में तुम ताला क्यों लगवाना चाहते? तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या उन्होंने तुम्हारा धन संपत्ति लूट लिया, बच्चे लूट लिए? ताला बाबा इसलिए लगवाना चाहते हैं कि वो लोग बैठ में आध्यात्मिक जाने वाले भाई बहन का गिलानी करके और स्वयं जो है वो राज्य कर रहा, दुनिया को ठग रहा। तुमने 63 जन्म ग्लानी की भगवान की और देवताओं की, तो तुम्हारे घर में भगवान ने आके ताला लगवाया है? तो तुम क्यों ऐसा कर रहे, ऐसा क्यों सोचना चाहते? ये सोचो कि दुनिया में हमारे अगर नजदीक हैं कोई, तो दुनिया वाले नजदीक नहीं हैं। जिन्होंने बेसिकली भगवान बाप को पहचाना है वो हमारे ज्यादा नजदीक हैं, जन्म जन्मांतर के। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? दुनिया वाले अगर हमारे नजदीक होते तो दुनिया वालों ने बाप को पहचाना होता, कम से कम बेसिकली तो पहचाना होता। पहचाना? नहीं पहचाना तो
तो वो जन्म जन्मांतर हमारे नजदीक नहीं रहेंगे, वो बाप के नजदीक नहीं तो वो हमारे भी नजदीक नहीं। बेसिक वालों ने भगवान बाप को बेसिकली पहचाना, हमने भी पहचाना था, वो हमारे ज्यादा नजदीक हैं दुनिया वालों के मुकाबले। और इस एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई तो नास्तिक वर्ग के हैं, कोई आर्य समाज के बीज हैं, कोई मुस्लिम धर्म के बीज हैं, कोई सिख धर्म के बीज हैं, कोई इस्लाम धर्म के बीज हैं। वो पहले हमको धोखा दे करके जाएंगे या दुनिया वाले जो अंत में प्रत्यक्ष होने वाले 33 करोड़ देव आत्माएं हैं वो हमको धोखा देंगी? पहले हमको द्वापर युग से धोखा कौन देंगे? ये एडवांस की बीज रूप आत्माएं यहां बैठी हुई हैं। थोड़ा समय साथ देंगी फिर उसे उठा के सिंगट दिखा देंगी, गिलानी करेंगी जाके बाहर। तो दुश्मन तो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, ये विदेशी ही दुश्मन हैं। वो विदेशी नहीं जो अपने धर्म के पक्के हैं, वो विदेशी जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले जाते रहे, वो जयचंद हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और घर वाले ले जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे तो फिर वो अंत में परफेक्ट होंगे तो बाहर वाले ले जाएंगे? बाहर वाले माने अंदर वाले माने माने मालूम है, है? वो घर वाले हैं तो तुम बहुत समझ गए। क्यों भाई, यही परिभाषा है अंदर वाले बाहर वालों की है? अंदर वाले कौन और बाहर वाले कौन? अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। बेसिक में ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका? जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे, साथ सोते थे, साथ खाते थे, साथ खाना बनाते थे, साथ टहलते थे, चलते फिरते थे, वो रह गए, बहुत से पड़े हुए हैं। और जो बाहर वाले घरग्रस्त का जीवन व्यतीत करते थे, ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं रहते थे, सरेंडर होकर के, वो ले गए, यहां बैठे हुए सारे ही। ये बाहर वाले ले गए बेसिक में से, और बेसिक में जो अंदर सरेंडर होकर के बैठे थे वो रह गए, वो ही अर्थ यहां भी है। यहां भी ऐसे ऐसे सरेंडर होते हैं जो कागज में दिखाने भर के सरेंडर हैं, एक तिनका नहीं तोड़ सकते हैं। कहावत है, कटी हुई उंगली पे पेशाब भी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, पूरी पालना लेते हैं। सैकड़ों भाई बहनों का खून पी जाते हैं, बीमार होते हैं तब खून दिया जाता कि नहीं? तो सरेंडर हैंड्स उनको खून भी दे देते हैं, कई बार बोतलें की बोतलें, फिर भी धोखा देते हैं। और बाबा ये भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं अपन के धर्म में रहना ही अच्छा है, हम तो इसी जीवन में जो धर्म में है वही धर्म हमारा स्वधर्म है। दिखा दिया है कि अपना धर्म में रहना अच्छा है, है? मुरली में भी आता है बाबा, इसका क्या है? तो मुरली में यही तो आता है कि हमारा धर्म कौन सा है, है? उनसे उनके समझने से क्या हम अपनी समझ देखें
हम दूसरों की समझ पे चलेंगे। हाँ हमारा तो धर्म है, अपना धर्म में से बैठा है। तुम्हारा धर्म क्या है उनसे पूछो, तुम्हारा धर्म क्या है तो क्या जवाब देंगे? हैं? देवता को पूजेंगे? उनसे पूछो, स्व आत्मा को कहा जाता है या शरीर को कहा जाता है? तो मूल रूप में उनको समझाने दोगे तभी तो समझेंगे। जब स्व आत्मा को कहा जाता है तो आत्मा का धर्म देखना है, न कि देह के धर्म देखने हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, सबकी शिकल अपनी अपनी, वो तो देह के धर्म हो गए। हमारा तो आत्मा का धर्म है। आत्मा को क्या धारणा करनी है, क्या धारणा नहीं करनी है, वो आत्माओं का बाप परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। हम अपने स्वधर्म को भूल गए, हम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। पहले उनको अपनी पहचान तो दो, वो तो कुछ भी कहते रहेंगे, अज्ञानी है बेचारे। और बाबा संगम युग में जब संपूर्ण लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे तो क्या उसमें सिर्फ बाप की प्रवेशता रहेगी? लक्ष्मी नारायण पद पा लिया तो बाप की प्रवेशता की दरकार है? पढ़ाई पूरी नहीं हुई? आत्माओं को परमधाम कौन ले जाएगा? वो तो आत्म की स्थिति में गए, क्या सारे ही आत्म की स्थिति में चले जाएंगे एक साथ? है जो परमधाम में पहले ही स्टेज में टिक गया, सदैव ही परमधामी जाली स्टेज पर अनुभव कर रहा है, देवान की स्टेज अनुभव ही नहीं करता है, सूक्ष्म बतन की स्टेज अनुभव नहीं करता, निराकारी स्टेज का अनुभव करता है, वो तो पहले पहले ऊपर जाएगा। झाड़ के चित्र में ऊपर की कौन दिखाया है? आत्माओं को ले जाने वाला कोई दिखाया है? शंकर दिखाया है। तो जो शंकर का पार्ट अदा करने वाला शरीरधारी है वो तो नारायण का पद पा गया, वो तो है ही ऊंची स्टेज में। बाकी जो उस स्टेज को नहीं प्राप्त किया है वो पुरुषार्थ करते रहेंगे। और ओम शांति। स्त्री और पुरुष इकट्ठे होकर के पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कौन सा रास्ता अपना लिया? हम हार करके चल रहे हैं या जीत की उम्मीद लेकर के चल रहे हैं? इसका मतलब जीवन में हम हार करके चल रहे हैं। रोजमर्रा का जीवन ऐसा अपना लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो पढ़ाई का पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। गीता का ज्ञान झूठा हो गया। बाबा ने तो सीधे सीधे डायरेक्शन दे दिए,
कन्या ज्ञान में नहीं चलती है, उसकी शादी कर दो। जो शादी होते नहीं चाहते है, जो शादी होते नहीं चाहते हैं माँ के पास रहते हैं, जबरदस्ती कर दो। किया कंट्रोल करो, घर से बाहर मत निकलने दो। किया घर से बाहर मत निकलने दो। चाचा जी के पास रहेगा, चाचा जी के पास भेज दो, चाचा जी शादी करे, चाचा जी अपने घर में रखे। माँ सहयोग करे है, माँ सहयोग करता है, आना जाना करता है। माँ सहयोग करेगा या बाप सहयोग करेगा, किसमें बाबा की क्या गलती? बाप तो ज्ञान में नहीं चला, माँ ज्ञान में चला, वो सहयोग करता है। बाप ज्ञान में नहीं चला है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रवृत्ति मार्ग अभी ज्ञान मार्ग में है ही नहीं। हाँ जी, वो माँ जो यहाँ तो द्रौपदी भी ज्ञान में चलने वाली चाहिए और पांडव भी ज्ञान में चलने वाले चाहिए। उसको दोष लगेगा नहीं, माँ को दोष में तब लगेगा जब वो श्रीमत पर नहीं चलेगी। सहयोग इंद्रियों से नहीं होता है, सहयोग मन से होता है। मन जब विकारों का रस लेने लग पड़ता है तो सहयोग हो जाता है। इंद्रियों को जबरदस्ती वशीभूत करके पुरुष विकारी बनाता है, मन बुद्धि उपराम हो गई तो विकारी नहीं है, आत्मा निर्विकारी है, बाप का बच्चा है। मुर्दा बनने की बात है, बाबा ने बोला है पाकिस्तान का नाम तो उड़ जाएगा, पाकिस्तान का नाम तो उड़ जाएगा, एकमात्र पाकिस्तान का नाम उड़ जाएगा, पाकिस्तान का नाम उड़ जाएगा, पाकिस्तान नेपाल और ये जो जितने भी आसपास के देश हैं भूटान वगैरह वो सब हिंदुस्तान में मिलकर के एक हो जाएंगे। अभी खंडित भारत है, क्या होगा? अखंड भारत हो जाएगा। हाँ तो बाबा बोला है पाकिस्तान का नाम क्यों बोला, पाकिस्तान का नाम क्यों बोला? अभी है ना प्रैक्टिकल में, अलग अलग देश तो है, अलग अलग है तो खंडित भारत है ना, पहले भी खंडित था क्या? पहले तो अखंड था, पहले अलग अलग से पाकिस्तान नहीं था, शासन पहले नहीं था, 47 से पहले पाकिस्तान नहीं था, बाद में पाकिस्तान हुआ। है बांदेली माता, हाँ खाना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं देता। हाँ जी, बच्ची कर दे घर में, घर में ही बच्ची जमा दे है? लगन की बात है, ज्ञान कहाँ से ले लिया, कहाँ से ले लिया, तो कैसे आई? आश्रम में आने के लिए मना है जिन्होंने भर्ती नहीं की है, आश्रम में या गीता पाठशाला में आने के लिए मना तो नहीं किया गया, भर्ती नहीं की है तो भी क्लास कर सकते हैं। बाबा के तो बच्चे बने ना, पहले घर में ही भर्ती करके
ऐसी लगन दिखाते हैं जो दूसरों को पता चले ये तो बाबा का बच्चा बन गया। कोई कह नहीं सकता ये बाबा का बच्चा नहीं, बाबा भी उसे स्वीकार कर लेंगे। तो परमानेंट बट्टी हो जाती है बांधेली माताओं की। बांधेली माताओं को अगर बंधन लगाया जाता है, लगातार बंधन है और वो लगातार क्लास कर रही है, तो बट्टी नहीं भी करेंगी तो भी उनको परमिशन मिलेगी। एक एक सितारे में एक एक दुनिया है। सब सितारे अपने को सूर्य में मर्ज कर देंगे, जैसे सूर्यवंशी अपने मान मर्तव्य को सूर्य के मान मर्तव्य में मर्ज कर देते, अलग से कोई मत नहीं। जो बाप का मत तो हमारा मत, जो नारायण का मत वो सारी प्रजा का मत, पूरा परिवार एक हो गया, सारी वसुधा ही एक कुटुंब हो गया। द्वापर युग से भले दुनिया बनाए अपनी अपनी। त्रेता तक 2500 वर्ष एक ही दुनिया रहेगी, मतलब राज्य भी अलग अलग हो जाएंगे, राम राज्य में अनेक राजाएं होंगे फिर भी वो एक के कंट्रोल में होंगे। द्वापर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। पांच दिन ही दिन होगा सितारों का अस्तित्व, वहां रात होगी ही नहीं। जब रात ही नहीं होगी तो सितारे दिखाई देंगे, दिखाई नहीं देंगे। परमा की अवस्था परमा की अवस्था हो गया, किसी को नहीं हुआ, फिर तो रोग शोक नहीं आना चाहिए। कर्मातीत अवस्था किसी को नहीं हुआ क्या? कर्मातीत अवस्था जिसकी हो जाएगी उसको कोई रोग आक्रमण करेगा नहीं करेगा, कोई विरोध करेगा वाचा से विरोध करेगा, अरे वाचा से भी विरोध नहीं करेगा, दृष्टि मात्र से भी विरोध नहीं करेगा। कर्मातीत की निशानी है किसी से भी उसका विरोध नहीं होगा, जो नजदीक आवेगा वो उसी का बन जाएगा। पारसनाथ बन जाएगा, पारस पत्थर बन जाएगा, कब होगा? अभी अभी बताया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, 50 वर्ष लगते हैं, सुनते सुनते भूल गए। और
तब से व्यक्तवाणी में बोलते आ रहे बाबा बाबा क्या करो संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो तो डेट तो क्या कम से कम वर्ष तो बुद्धि में फिक्स होना चाहिए बाबा बाबा ब्रह्म से चला गया जन्म जन्मांतर हमारा साथ है ब्रह्म ये जन्म जन्मांतर साथ में रहेंगे निराकारी जावेगा साकारी जन्म जन्मांतर साथ रहेगा और साथ उनके रहेगा जो यहाँ साथ है यहाँ विरोधी है तो वहाँ भी विरोधी बन के रहेगा यहाँ के साथी और सहयोगी वहाँ के जन्म जन्मांतर के साथी और सहयोगी बने यहाँ संकल्प मात्र से भी अगर विरोध करते हैं तो सूची हो रही है यहाँ संकल्प का बीज पड़ा और वहाँ प्रैक्टिकल में साकार में होगा यहाँ संकल्पों का भी विरोध वहाँ की बड़ी लड़ाई हो जाएगी बाबा वो क्या करेगा वो पिताजी चाचा चाची बेटी एक तरफ कन्ना बुटी गया माँ बुटी गया बाप ज्ञान में नहीं चला वो धमक देता है तुमको खाने के नहीं देती हमारा पास नहीं होती वो क्या करेगा छाड़ पत्र भी नहीं देगा क्या बात है क्या कह रहे चाचा जी और इसके संबंधिया जो पिलाते अरे जो हिंदी जानते हैं तो बोलो ना माता जी किससे लगाई माता जी इन लोगों ने समझा नहीं आप बोलिए पंजाब माँ बेटी बोटी क्या ज्ञान में भी थोड़ा दिन चला दिन चला उसके बाद कन्या अना के लिए देखिए क्या करे वो स्वामी भी यो नहीं देता है छाड़ पत्र भी नहीं देता बाकी बाबा ने शादी होता है माँ बेटी ज्ञान में चलती है चाचा चाची जितना ताऊ ताऊ है पूरे संबंधी ज्ञान में नहीं चलते नहीं चलते उसको विरोध करते घर से भी निकाल लेते वो क्या करें घर से निकाल दे पुलिस में जाके रिपोर्ट करो रिपोर्ट की कॉपी लो और चाय जी शासन में जाके बैठ जाओ वो पूछ रहे कोई हक नहीं दिया बता तो दिया बहुत घर में से निकाल दिया जिसके साथ साथ फेरे किए वो भी निकाल जिसके साथ साथ फेरे किए सामाजिक समाज के बीच में बैठ करके शादी रचाई साथ देंगे ये अंजाम किया और फिर घर से बाहर निकाल दिया तो चार लोगों को इकट्ठा करके थाने में जाओ और रिपोर्ट लिखाओ कि शादी करने के बाद हमको घर से बाहर निकाल दिया मारपीट करके चोट का निशान है तो जाकर के हॉस्पिटल में रिपोर्ट लो छोड़ दो जब हम अलग ही हो जा रहे छोड़ क्यों दे धर्म कोई छोड़ता है अपना धर्म क्यों ये अलग होने के बाद है धर्म क्यों छोड़ दे बाबा का घर में रहेंगे तो छोड़ पत्र तो नहीं देगा क्या वो पुलिस में जाकर के तुमने जो रिपोर्ट लिखाई है वो रिपोर्ट तो लेके आओ पत्र भी नहीं देगा अब चोट जो लगी है मारपीट हुई है वो रिपोर्ट तो लेके आओ हॉस्पिटल में से मारे डर के और मारे वो जो मोह के तो मरे जा रहे हैं वो पता जाए मैं बाबा का घर में रह जाएंगे तुम झाड़ पत्र तो नहीं देगा झाड़ पत्र क्या होता है तलाक तलाक है तलाक देना है
जिसे तलाक देना होगा वो खुद जाकर के कोर्ट में तलाक देगा। हम काहे के लिए तलाक दें? हम कोई विदेशी माता है क्या? हम तलाक नहीं देते। तुमने घर में से बाहर निकाल दिया मैंने तुमने तलाक दे दिया। घर में बुलाता है बोलता है तो ज्ञान छोड़ दो, नहीं तो बाबा के घर में जाएंगे तो हमारा सब कुछ हमको लिख दो तुम चला जाओ, पैसा नहीं दे रहा। कुछ लिखने की दरकार नहीं, बता दिया घर में से निकाल दे, चोट का निशान है जाकर के हॉस्पिटल में कागज लो, चेकिंग कराओ, रिपोर्ट की कॉपी लो और दोनों कागज लेके चाहे जहाँ चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा का घर में मुसलमान में रहेंगे, सुन रहे की? और हंस बगुले इकट्ठे ऐसे भी नहीं रह सके, बहुत अशांति आज नहीं तो कल, हंस बगुले तो अलग अलग होंगे ही, नाली के कीड़े नाली में ही रहेंगे। एक किस्म के बारे में कुछ सुन रहे हैं वो पार्वती अवस्था का एक किस्म करने के बारे में कुछ सुन रहे हैं? करो ना, बाबा ने इशारा दे दिया वर्ष का 2018 का, बाबा ने वर्ष का इशारा दे दिया, अब तुम महीना निकालो डेट निकालो कुछ तुम भी तो करो। मैं बताया कि पहले आपने दिल से ये डेट करो कि विश्व का सब आत्मा को बाबा का वर्ष मिल जाए, वर्ष मिल जाएगा तो पहले मिल जाएगा, पहले ये डेट पहले आप हुए दूसरों की बात छोड़ दो, पहले खुद मर जाओ, पहले देह भान से खुद मर जाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। खुद कर्मातीत बने तो अपने संपर्क में आने वाले भी सब कर्मातीत बनेंगे। जो हो जो जी हाँ जी हाँ जी कुमार अधर कुमार कुमारी और माता बेहद में किसको कहेंगे? इसका मतलब हद में तो समझ लिया ना प्रकाश भाई, कौन है हद में कौन होते हैं सो बता दो पहले है। हाँ जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है शिकार में जाने का वो है कुमार और हाँ जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है बेकार में गोते खाने का, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, मारपीट के बेकार में डाल दो, समाज भी कुछ नहीं कर सकता, वो है शादीशुदा। शादी की माना माता है, शादी नहीं की है माता नहीं कुमारी है। हाँ बेहद की क्या बात है? बेहद में तो तब जाएगा जब अंदरूनी बात हो, कोई ऐसे होते हैं बाहर से कुमार है और अंदर से किसी शादी की हुई है, तो बेहद के अधर कुमार हुए या हद के हुए? बेहद के अधर कुमार हो गए। हाँ जी ब्रह्मा जी परमातीत कैसे बन सकता है?
प्रैक्टिस करो कर्म करते हुए याद में रहने की। कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए याद में रहने की प्रैक्टिस लगातार बनी रहे, निरंतर याद रहे तो कर्म अधिक रहे। अंतर पड़ गया याद में, कर्मेंद्रियों का भोग भोगने में बुद्धि चली गई या रस लेने लगे। जैसे बाबा कहते हैं, भोजन करने बैठता हूँ, एक दो गिट्टी खाई और बाकी याद भूल गई। उसे कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। और है? एक एक कर्तन मछली डाल देता है। एक एक कर्तन मछलियाँ डाल देता है, मछलियाँ डाल का पांच पत्ती हाँ। एक एक कर्तन मछली डाल देता है तो हम लोग का पेहर से क्या हम लोग का समझ तो चकराता में बताया। देहरादून के पास एक गांव है चकराता, जहाँ दुगुना दे अभिमान रहता है। नाम बेहद में है देहरादून, इतना देह अभिमान रहा, दून दुगना देह अभिमान रहा। वहां का एक गांव है, उस गांव में ये यादगार चल रही है अभी तक भी। भक्ति मार्ग की यादगार है, संगम युग की यादगार है। ऐसी जो द्रौपदी होती है उसमें दोगुना देह अभिमान होता है। अगर देह अभिमान दोगुना नहीं होता तो दुर्योधन की हंसी नहीं उड़ाती। मूल कारण कहां से शुरू हुआ? दुर्योधन दुशासन ने लड़ाई शुरू की या द्रौपदी ने शुरू की? कारण कौन बना? द्रौपदी कारण बनी। कन्या माताओं का देह अभिमान प्रसिद्ध होता है। उन कन्या माताओं की मुखिया है जगदम्बा। पुरुष के मुकाबले स्त्रियों में दो गुना देह अभिमान होता है। विकारी पुरुष होते हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी पुरुष होते हैं, लेकिन देह अभिमान स्त्री जाति में होता है। द्वापर कलयुग ये ब्रह्मा को रावण का सर गधा दे दिया। वो आत्मा की बुद्धि में अभी भी नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कौन। इसलिए घड़ी घड़ी देह अभिमान में लौट जाता है। सूक्ष्म शरीर होने के कारण पावरफुल आत्मा है। इसके द्वारा लौट जाता है। अपना शरीर तो है नहीं है, दंपा के शरीर के द्वारा वो तो अंतिम उनका रूप है। बात कहां से होती है? दंपा पहले या जगत पिता पहले? हाँ जी बाबा, रुद्रमाला और विजयमाला का मणका
एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? रुद्रमाला का पहला मणका और लास्ट मणका पहचान लिया? अरे पहचान लिया कि नहीं? किसने पहचान लिया वो तो हाथ उठा दो। एक दो तीन चार हाथ उठ रहे हैं बस। है? पहचान लिया कौन है? जय पिता और जगदम्बा। तो जब पहला दूसरा मणका रुद्रमाला का पहचान लिया तो विजयमाला में पहला और अंतिम मणका नहीं होगा। तो दो का पाठ खुल सकता है तो 108 का नहीं खुल सकता है? आठ प्रत्यक्ष हो सकते हैं तो 16 भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तो एक दूसरे को पहचाने कि नहीं है? ज्ञान के नेत्र से पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। पहचानेंगे तो बुद्धियोग एक दूसरी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? है? जाएगा। वो पहचान के बारे में बाबा बोलेंगे ये अपना अपना आप ढूंढ लेंगे? चिंता बड़ी भारी हो रही है। बाबा की यानी की चिंता नहीं हो रही है। पहले अपना संगी साथी ढूंढने की चिंता हो रही है। अब बताओ जिनको ये चिंता हो रही है वो विदेशी मणके हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी बाल बच्चे अपना संगी साथी अपने आप ढूंढने लग पड़ते हैं और जो स्वदेशी बाप के बच्चे होते हैं वो माँ बाप को निमित्त बनाते हैं, अपनी चिंता अपने आप नहीं करते। और एक दूसरे को पहचानने के बाद और मजेदार बात, और एक दूसरे को पहचानने के बाद उस समय उन दोनों का कौन सा काम चलेगा? ये मेंटेलिटी है, है?